अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई एक पनडुब्बी गायब हो गई है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस पनडुब्बी का ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रहा है। यूएसए कोस्ट गार्ड के मुताबिक पनडुब्बी पर मौजूद लोगों के पास कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन बचा है, जिसके कारण बचाव कर्मी 24 घंटे काम कर रहे हैं। पनडुब्बी टाइटन को इमरजेंसी सिचुएशन में 96 घंटे तक ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें महज कुछ ही घंटे का समय बचा है। ओशन गेट कंपनी की पनडुब्बी टाइटन रविवार को 5 अरबपति के साथ समुद्र के अंदर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने निकली थी, जो टाइटैनिक जहाज 1912 में अटलांटिक महासागर में डूब गया था। इसके मलबे को लेकर लोगों में बड़ी ही दिलचस्पी बनी रहती है। पनडुब्बी में सवार अरबपति की तलाश जोर शोर से की जा रही है। पनडुब्बी 6.7 मीटर लंबी, 2.8 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर ऊंची है। इसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन होती है। पनडुब्बी में बैठने के लिए कोई सीट नहीं होती, बल्कि एक सपाट फर्श है जिस पर 5 लोग बैठ सकते हैं। 21 फीट लंबी पनडुब्बी के अंदर लोगों के पैर पसारने तक की जगह नहीं होती। अधिकारियों ने बताया कि पनडुब्बी में सवार लोगों के पास सीमित मात्रा में खाना और पानी था। इसके अलावा उसमें बाहर देखने के लिए महज 21 इंच की खिड़की है। टाइटैनिक तक पहुंचकर वापस आने में 8 घंटे का समय लगता है। टाइटैनिक का मलबा 1200-1500 फीट की गहराई में है, जहां तक जाने के लिए 2 घंटे, टाइटैनिक को देखने के लिए 4 घंटे और वहां से वापस आने में 2 घंटे लगते हैं। बीतते समय के साथ पनडुब्बी में सवार लोगों के बचने की उम्मीद धुंधली होती जा रही है। ऐसे में 5 जिंदगियां खतरे में हैं। सूरज की रोशनी समुद्र के पानी में महज 660 फीट तक ही जा सकती है। स्कूबा ड्राइविंग के लिए लोग 130 फीट गहराई तक जाते हैं। समुद्र में अब तक का सबसे गहरा अंडर वाटर रेस्क्यू 1575 फीट की गहराई में किया गया था। ऐसे भी समझ सकते हैं कि टाइटैनिक का मलबा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुजुर्ग खलीफा की ऊंचाई से भी 4.5 गुना ज्यादा गहराई में है। पनडुब्बी को जहाज पोलर प्रिंस ने रविवार को समुद्र में उतारा था, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट बाद ही जहाज से संपर्क टूट गया। पनडुब्बी अमेरिका तट से 900 नॉटिकल माइल्स दूर केप कोड के पुल से लापता हुई है। रविवार को पनडुब्बी के कमांड शिप पोलर प्रिंस ने अमेरिकी तट रक्षक बलों को बताया कि उनका संपर्क पनडुब्बी से टूट गया है। इसके बाद अमेरिका ने पनडुब्बी की खोज के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, जो अब तक जारी है। पनडुब्बी सैन्य विमान सोनार बॉय की मदद से पनडुब्बी की तलाश की जा रही है। पनडुब्बी को ढूंढने के लिए रोबोट का भी सहारा लिया जा रहा है। सोनार बॉय एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए ध्वनि तरंगों को भेजकर समुद्र के नीचे की वस्तुओं का पता लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर गहरे पानी में दुश्मन पनडुब्बियों को ढूंढने के लिए किया जाता है। तो ऐसे में प्रश्न बना हुआ है, क्या खत्म हो जाएंगी 5 जिंदगियां?